आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयालक्ष्मी। बिजली के लटकते तारों की चपेट में आने से बालक की मौत हो गई। ग्रामीणों ने जूनियर इंजीनियर पर लगाया लापरवाही का आरोप। कमरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे लाल मजरे रुसलपुर गांव के समीप खेत में बकरी चरा रहे 14 वर्षीय बालक मुतर सिंह पुत्र अंसार, जो कि एलटी लाइट पोल से बिजली के ढीले तार हो जाने के कारण खेत में लटक रहा था, जिसकी चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां परिजनों को मौजूद स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी होने पर तत्काल इलाज हेतु अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृतक घोषित कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पूरे गांव में जगह जगह पर विद्युत विभाग के अधिकारी व कर्मचारी की लापरवाही के चलते तार लटक रहे हैं, जबकि इस बाबत विभाग के जूनियर इंजीनियर व उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की गई थी। वहीं उन्होंने विभाग के जूनियर इंजीनियर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे यह शिकायत की गई थी कि ढीली तारों को जल्द से जल्द सही करवा दिया जाए, अन्यथा कोई बड़ी घटना घट सकती है, लेकिन विभाग के जूनियर इंजीनियर कुंभकर्ण के नींद सोने में मस्त रहे। अमेठी से ब्यूरो चीफ असद हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या मामला है ये भैया? ऐसा हुआ है कि आज दो दिन पहले हमने फ़ोन करके खुद बताया था एक रात में, और वो जो है आए नहीं आज तक इसको देखने। हमने ये भी कहा कोई हादसा इसमें हो सकता। कौन सा गांव है ये? ये गांव है पूरे लाल रसूलपुर। तो इसकी शिकायत आपने जेई साहब से नहीं की थी? जेई साहब से भी बताई गई। आपका? हमारा नाम आवेश ठाकुर है, प्रधान सिंधुरवा हूँ। क्या मामला हुआ है आज यहाँ? मामला यहाँ लाल खा के पुरवा में, लाल के पुरवा में एक 14 साल का लड़का बिजली के करंट लगने से उसकी मौत हो गई, और दो दिन पहले जेई साहब को इसकी सूचना दे दी गई थी कि बल्ली के सहारे तार चल रहा था वो टूट गई है। तो क्या कहा था उस समय जेई साहब ने? जेई साहब ने कहा था ठीक है मैं करवा लूँगा, और उनका इब्रार लाइन मैन है उसको दिखाया गया था कि ये देख लीजिए तार लटका हुआ, कोई किसी बड़ी घटना की दावत दे रहा है। वो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.